हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था, लॉज ऑफ मोशन का। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर जिसका नाम होगा ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन क्या होता है आपको बताता हूं। कह रहा कि इस दुनिया के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर मास तो होगा, ये तो सबको पता है। मास क्या चीज होती है? मास होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की जितनी क्वांटिटी, मार्क आइंस्टीन के मैटर की जितनी क्वांटिटी से मास होते हैं। कह रहा कि कोई भी मास होता है ना, जैसे एक मास ये है, एक मास ये है, ये दोनों आपस में कोई भी मास होता है, वो एक मास दूसरे मास को हमेशा अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना, तो एक मास का दूसरे अपनी दूसरे मास को अपनी ओर अट्रैक्ट करना ही क्या कहलाता है? ग्रेविटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन कहलाता है, तो एक ऐसा फोर्स हुआ, एक अट्रैक्शन फोर्स वाला। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा इन दोनों के बीच में, उसका नाम क्या होगा? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स हुआ? बात आती है हम सीधा अट्रैक्शन फोर्स में, तो बोल सकते थे आपने कहा ना कि एक मास होता है दूसरे मास के बीच में कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो अट्रैक्शन फोर्स बोल दो ना। ग्रेविटेशन फोर्स क्यों बोल रहे हैं? इसका रीजन है यहाँ पे क्या, कि जो एक मास जो होता है ना, वो दूसरे मास को अट्रैक्ट कब करता है? उसका एक कारण है कि एक ग्रेविटोन नाम का, किस नाम का? ग्रेविटोन नाम का एक पार्टिकल होता है, उसकी क्या होती है? शेयरिंग होती है, एक्सचेंज होती है, भी बोल सकते हैं एक्सचेंज होते हैं, ये इसको देता है, ये इसको देता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में क्या लगता है? अट्रैक्शन लगता है ना। तो अट्रैक्शन जो होता है उसे हम क्या हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उस फिनोमेना को क्या बोल देते हैं? ग्रेविटेशन। और उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोल देते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स बोल देते हैं। तो क्या बोल देंगे यहाँ पे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, बिटवीन टू मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? तो हमें ये पता लग गया कि कोई भी दो मास होते हैं उनके बीच में क्या होता है? ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटॉन की पार्टिकल की शेयरिंग एक्सचेंज की वजह से। ठीक है, पर हमें ये नहीं पता कि कितना लगता है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे साइंटिस्ट आए, उनका जो नाम था वो क्या था? न्यूटन। न्यूटन ने क्या कहा कि है ना, न्यूटन ने हमें क्या बताया कि दो मास अणुओं के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, ये बात बताएगा। समझ रहे हो क्या? कि अट्रैक्शन फोर्स तो लगता है, ये बात तो हमें पता लगी, पर कितना लग रहा है ये बात कौन बताएगा? यहाँ पे न्यूटन बताएगा। तो उसने एक लॉ बना दिया, उस लॉ का नाम होगा यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लो। ठीक है, या ये तो नाम हो गया, या फिर इसमें दूसरा नाम आपने अपने नाम से भी बना दिया, न्यूटन्स लो ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है ना, न्यूटन्स क्यों लगा? क्योंकि न्यूटन ने दिया था। यूनिवर्सल का क्या मतलब है यहां पे? कि यूनिवर्सल का मतलब है ये है कि ये जो लो दिया है ना न्यूटन ने, ये यूनिवर्स के अंदर हर जगह पे लागू होगा। क्योंकि आपको बताया था मोस्टली लॉज क्या होते हैं? सरफेस पे लागू होते हैं, परंतु ये वाला लॉ है वो हर जगह पे लागू होगा यूनिवर्स में। मून पे चले जाओ, सन पे चले जाओ, बाकी अलग मार्स पे, जितने भी प्लेनेट हैं कहीं पर भी चले जाओ, वहां पर भी ये लॉ क्या होगा? लागू होगा। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया यहाँ पे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ रख दिया गया। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब यहाँ पे ये न्यूटन ने क्या बताया है, कह रहा कि मान लीजिए आपके पास दो बॉडी है, ए और ए बी। ठीक है ना, दो बॉडी, पहले में मास मान लीजिए कितना है? m1 है, दूसरे में कितना है? m2 है। ठीक है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? यहाँ पे मान लीजिए r, कितनी है? r। अब देखिए ये जो लाइन है यहाँ पे, मैंने o डैश मान लेते हैं, न्यूटन ने कहा कि जो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो ना, वो हमेशा सेंटर से मेजर होगी। ये बात याद रखना है, जैसे ये मान लीजिए अर्थ है, ये मून है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस कहां से मेजर होगी? सेंटर से, यहां से लेकर यहां तक हो। ठीक है कि नहीं है? दोनों के सेंटर से। ठीक है, C1 C2 कर दो, चाहे यहां पे C1 कर दो, यहां पे C2 कर दो, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। ठीक है, अगर ऐसा होता है तब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ही लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना। तो कह रहा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना दोनों बॉडी के बीच में,
फिर वो किस पे डिपेंड करता है? दो बातों पे डिपेंड करता है। कितनी बातों पे डिपेंड करता है? दो बातों पे। कौन कौन सी बात पे? एक तो कहता है कि इन दोनों बॉडी का जो मास है ना, उनके प्रोडक्ट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कि दोनों का मास का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है? उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसकी स्ट्रेंथ की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस यही क्या है? न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है, तो ये उसका मैथमेटिकल हो गया। लैंग्वेज में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज। क्या बोला? द अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ए डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही क्या आपका ग्रेविटेशन लॉ है। कोई दिक्कत आई? अब आपके पास कितनी इक्वेशन आ गई है? दो आ गई। दोनों को इक्वेशन को अपन यहां पे एक साथ लिख सकते हैं क्या? बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या जाएगा? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई दिक्कत आती है क्या? ऐसे करते हैं तो दोनों को एक साथ लिख दिया ना। ठीक है, अब आपको पता है किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या लगता है? कॉन्स्टेंट लगता है, लगता है ना। तो यहाँ पे किसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कॉन्स्टेंट यहाँ पे क्या लगा? कैपिटल जी। क्या लगा? कैपिटल जी। तो क्या लगा? जी एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ये आपका ग्रेविटेशन लॉ आ गया। जी यहां पे क्या है? कॉन्स्टेंट है, जिसका नाम क्या होगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है। इसका नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट क्यों रखा? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। चाहे अर्थ पे चले जाओ, चाहे मून पे चले जाओ, चाहे सन पे चले जाओ, चाहे किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। कितनी होती है कॉन्स्टेंट यहाँ पे? 6.67 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? तो ये क्या था आपके पास यहाँ पे? ग्रेविटेशनल लॉ था। ये वैल्यू तो इसका तो कोई राज नहीं है, ये मैथमेटिकली वैल्यू है, तो ये तो आपको याद करनी होगी। हाँ, यूनिट अगर भूल जाते हो 100 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर कैसे आई, उसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ कैसे। देखिए यहां से आपको जी की डेट बता रहे हैं, जी को यहां रखो, बाकी को उधर भेज दो। तो क्या आएगा? जी इक्वल टू एफ ऊपर था, आज पे वापस आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा? एम वन और एम टू। ठीक है, फोर्स की डेट क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, आर आर क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। तो स्क्वेयर है तो मीटर स्क्वेयर। मास, मास की क्या होती है? किलोग्राम। कितने 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 मास है? दो। तो किलोग्राम है, कितने किलोग्राम? किलोग्राम स्क्वायर। देख लो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर तो है। ठीक है कि नहीं? इस प्रकार से अपन यहाँ पे यूनिट बता सकते हैं। अभी लो था, अच्छे से करना, ये आगे भी आपको काम आएगा हायर क्लासेस के अंदर। ओके स्टूडेंट्स।